बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका, मेरा नाम दिवाकर है। आज जैसे कि आपको पता है कि मैं सिद्ध बागेश्वर धाम पर हूँ और गुरुजी के साथ हूँ, तो आज एक बहुत ही भव्य और बहुत ही अद्भुत चीज़ हो रही है जो गुरुजी के द्वारा करी जा रही है। उनके एक शिष्य ही चेले हैं और वो उनकी बेटी की शादी हम वो करवा रहे हैं और उसी में वो शरीक हुए हैं। तो मैं गुरुजी के साथ आया हुआ हूँ यहाँ पर और आपको भी दिखाता हूँ कैसे वो सारी व्यवस्थाएँ करा रहे हैं और कैसे वो अपने शिष्य की मदद करते हैं आर्थिक रूप से चाहे किसी भी रूप से। मैं आपको लेके चलता हूँ अब गुरु जी के पास, चलिए। जिस समारोह में अभी आए शिरकत करी है गुरुजी ने और पुलिस बाबा ने, वो किस उपलक्ष्य में है और क्या गुरुजी यहाँ पे आके क्या आशीर्वाद दे रहे हैं अपने शिष्य को? आधी बिटिया की शादी, उसको आशीर्वाद देने आए हैं, उसकी आज शादी। हाँ, जो भी दान पुण्य कन्या दान जो भी दान करना आप कर सकते हैं जी। और गुरु जी के जो शिष्य हैं जिनकी बेटी की शादी है, मैं उनसे मिलवा देता हूँ, तो वो ये है नत्थू जी। साहब नत्थू जी, हाँ नत्थू जी, एक मिनट कुर्सी इधर खींच लीजिएगा। अभी आया हूँ, तो गुरुजी आपकी बेटी की शादी में आए हैं, इसमें बताइए और गुरुजी के बारे में जो भी आप विचार रखते हैं वो सब आप बताइए हमारे दर्शकों को। अरे मुझसे तो बोलो, मुझसे बात करो ना। गुरुजी के बारे में विचार जो है आपके वो बताओ। हाँ, तो कैमरे पे बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। अब मैं पुलिस बाबा से भी पूछूंगा, वो भी शिरकत हुए हैं शादी में, तो बाबा जी बताइए। बोलो। आप बताइए, जो आपके शिष्य हैं उनके बेटी की शादी में आपने शिरकत करी है, उसके बारे में अपने विचार रखिए, आशीर्वाद देने जो आप आए हैं। आप लोग मौज रहे हो, तो शांति से जीवन व्यतीत करो और चिरंतन आराम दोस्तों, ये एक हर्ष और उल्लास का माहौल है यहाँ पर, तो इस चीज़ को आप ऐसे ना लीजिएगा। और साधु संत समाज जो है वो इसी तरीके से रहता है, आशीर्वाद देता है अपने शिष्य को। तो आगे की जितनी भी प्रक्रिया है और शादी में गुरु जी कैसे आशीर्वाद देते हैं वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं गुरु जी। शादी का पूरा इंतजाम देखेंगे, क्यों ये हमारे भाई हैं कॉपी भाई हैं, ये गुरु जी के साथ मुझसे ज़्यादा तो यही रहते हैं, मैं तो अभी आया हूँ। बताओ वो भाई कुछ
क्या क्या खाएंगे आप? रसमलाई, रसमलाई, गाजर का हलवा, रसमलाई का। दोस्तों यहाँ पे कुछ भेंट जो है वो गुरुदेव की तरफ से दी जा रही है उनके शिष्य को नत्थू जी को। मेरी बेटी की शादी है और इसलिए गुरुजी ने एक भेंट उनको अब दे रहे हैं। अच्छा ये भेंट जो है वो लड़की को दी जाएगी। अरे ले लियो विदा, सबसे ले लियो मेरे दौरे को, तभी तो विदा दूंगा। क्या जो चाहे वो ले लो, बता ये लड़की आ गई है और इसको ठीक है।